नमः संस्कृताय मित्रों, चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अखिलेश सर आज आप लोगों को टेट 2019 जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होने जा रही है उससे संबंधित मैं जो भी सिलेबस है उसकी चर्चा कर रहा हूँ। संस्कृत में आपको सर्वप्रथम माहेश्वर सूत्र की चर्चा करूँगा। माहेश्वर सूत्र देखिए, आपके टेट में संज्ञा, संधि, समास, कारक, प्रत्यय, शब्द रूप, धातु रूप, गिनती, ये सारी बातें आती हैं। जो आपका यूपी टेट का सिलेबस है वह संस्कृत में संज्ञा, संधि, समास, कारक, प्रत्यय, शब्द रूप, धातु रूप, गिनती, ये सब आपके यूपी टेट का सिलेबस है। ठीक है, मैं आज आपको महर्षि पाणिनि द्वारा रचित इन 14 महेश्वर सूत्रों की चर्चा करने जा रहा हूँ। क्योंकि मित्र, बहुत से हमारे ऐसे मित्र हैं कि महेश्वर सूत्र याद ही नहीं होता है। और एक चीज़ ध्यान से जान लीजिएगा, महेश्वर सूत्र से दो प्रश्न आता ही आता है। दो प्रश्न महेश्वर सूत्र से बनता है तो बनता है, ठीक है ना। जैसा कि आप लोग परीक्षा भी दिए होंगे, नहीं परीक्षा दिए होंगे तो आप लोग पेपर देख रहे होंगे, पेपरों में निश्चित रूप से महेश्वर सूत्र से दो प्रश्न आता है टेट में, ठीक है। तो मैं आपको आज महेश्वर सूत्र की चर्चा कर रहा हूँ। ऐसा कहा जाता है कि एक बार की बात है, भगवान शिव जी तांडव नृत्य कर रहे थे। तांडव नृत्य करते समय वे डमरू बजा रहे थे, तो डमरू की ध्वनियों को सुन करके महर्षि पाणिनि ने इन 14 महेश्वर सूत्रों की रचना किया जो हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो वे महेश्वर सूत्र क्या क्या हैं इनको मैं पढ़ रहा हूँ, आप देखिएगा। और मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही ट्रिक के माध्यम से, जब तक यह वीडियो चलता रहेगा और जब तक आप देखते रहेंगे आप इसको याद कर लेंगे, यह मेरी गारंटी है और मेरा दावा है। आप जब तक इस वीडियो को देखते रहेंगे आप इसको निश्चित रूप से याद कर लेंगे। मैं आपको बहुत ही सहज तरीके से और सरलतम ढंग से इसको याद कराने की विधि बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत से मेरे मित्र हैं, बंधु हैं, जिनको याद नहीं हो पाता है। तो मैं आपको बहुत सरल तरीके से इसको याद कराने का एक उपाय बता रहा हूँ। देखिएगा, पहले मैं पढ़ रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं इसको जुगाड़ बताता हूँ, उसके बाद फिर इससे जो प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों की चर्चा मैं आपसे करता हूँ, ठीक है। तो पहला लिखा हुआ है महेश्वर सूत्र अ ई उड़, दूसरा है रील रीक, ए ओंग, आई औच, हाय वरट, लड़ मंगल नम, झ भय, घड़ धस, जब गड़ दस, खफ छठत चट दव, कपय, शर हल। यह 14 महेश्वर सूत्र है। तो क्या है, अ ए ऊण, रिल रिक, ए ओंग, ऐ औच, हाय वरट, लण, य मंगल नम, झ भय, घड़ धस, जब गड़ दस, खफ छठत चट तव, कपय, शर हल। यह 14 महेश्वर सूत्र है, ठीक है। इसको देखिए, याद कराने का हम एक आपको तरीका बता रहे हैं, जुगाड़। पहले हम आपको याद कराने का तरीका बताएंगे, उसके बाद फिर इससे प्रश्न बताएंगे, ठीक है। देखिए, पहले हम आपको 5 नंबर से बताते हैं, ठीक है। एक कहानी सुनाते हैं, इस पूरी कहानी के माध्यम से पूरा महेश्वर सूत्र है। एक बार की बात है, एक गांव में बारात आई। गांव की बारात की बात कर रहा हूँ, शहर की बारात की बात नहीं कर रहा हूँ। तो गांव में बारात आई, बारात सब पहुँच गई, दूल्हा जो है कुछ देर बाद पहुँचा। जब कुछ देर बाद पहुँचा तो जो बारात मालिक है वह गया घरात वाले से, कहा कि भैया अभी अभी दूल्हा आया है, उसको जलपान करा दीजिए। तो घरात वाले ने कुछ लोगों के द्वारा पानी भिजवाया। अब दूल्हे के पास जब पानी आया, पानी लाने में कुछ देर हो गया, इतने में थोड़ा सा दूल्हा भी गर्मा गया।
दूल्हा गर्मा गया तो जो पानी पिलाने वाले थे, कहानी सुनिएगा, उस कहानी पर ही पूरा यह महेश्वर सूत्र है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो पानी पिलाने से दूल्हे का झगड़ा हो गया, जब दूल्हे का झगड़ा हो गया, पटकी पटका होगी, खूब मारी मारा होगी कायदे से, समझें, दूल्हा के और पानी पिलाओ वालन के दोनों के झगड़ा भाई, खूब पटकी पटका भाई, खूब मारी मारा होगी। अब घरात बारात में जो बैठे हुए कुछ लोग थे, तो एक लोग देखा और बड़े जोर से चिल्लाया, क्या चिल्लाया, कहा हाय रे, देखिए, कहा हाय रे वर तो लड़ गया, देखिए हाय रे वर तो लड़ गया, तो हाय रे माने हाय वरट लड़, हाय वरट लड़, ठीक है ना, हाय रे वर, वर माने दूल्हा, वर माने क्या होता है, वर माने दूल्हा होता है, दूल्हा या श्रेष्ठ, ठीक है ना, तो यहाँ आपको दूल्हा लेना है, तो हाय रे दूल्हा तो छठवें पर छफेरा लेके लड़ी गए, हाय रे वर तो लड़ गया, हाय रे वर तो लड़ गया, हाय रे वर तो लड़ गया, हाय रे दूल्हा तो लड़ गए, पांचवें नंबर पे क्या है, हाय वरट लड़, छठवें पर क्या है, लड़, हाय वरट लड़, ठीक। अब देखिए सात नंबर पर, यह देखिए जो सेवन है लिखा हुआ यहाँ पर, सेवन, ये सेवन लिखा हुआ है ना, यह सेवन जो है हमारे आपके नाक की लंबाई है, हमारा आपका नाक जो है अंग्रेजी के सेवन की तरह है, सात की तरह है कि नहीं, तो हम नाक से कौन सा वर्ण बोलते हैं, तो नाक से बोला जाने वाला वर्ण है क्या, यमंगड़नम बोलते हैं नहीं नाक से, इसको आप नाक से बोलते हैं ना, तो एक व्यक्ति बड़े जोर से नाक से चिल्लाया, कहता है यमंगणनम, नाक से क्या चिल्लाया, यमंगणनम, कहें क्या हुआ, कहें झ माने झगड़ा भ, झ माने झगड़ा भ, भ झगड़ा भ, झभई झगड़ा भ, झभई झ माने झगड़ा भ, झभई झ माने झगड़ा भ, वह व्यक्ति नाक से चिल्लाया, क्या चिल्लाया, झ माने झगड़ा भ, झभई झगड़ा भ, झभई, वह नाक से चिल्लाया बड़े जोर से, कहा झ झगड़ा भ, झभई झगड़ा भ, झभई झभई, ठीक। तब अब आप सब लोग बाराती बारात में बैठे हैं, तो घ माने घटधस माने घ माने घबराया, घटधस घ माने घबराया, घटधस घ माने घबराया, घटधस, तब सब बैठे हुए बाराती जो वहाँ बैठे हुए थे तो घबराए, घटधस जब घबराए तो भागे, और जब बारातियों में से आप लोगों में से 4-6-10 लोग दौड़ करके गए, और जब घरातियन के जब पटक गाड़ दे है दस, दसवें पर देखिए, जब पटक के गाड़ दिए दस, तो क्या बन गया, जब गढ़ दस, जब पटक के गाड़ दे है दस, तो बन गया का, जब गढ़ दस, दस यहाँ है और दस यहाँ है, दस यहाँ दोनों मिलाकर के दसवें स्थान पर जब गढ़ दस है, ठीक है ना, तो जब पटक के गाड़ दे है दस, तो हो गया जब गढ़ दस। अब आप वहाँ से भागे, कह भैया भागो नहीं, गांव वाले हैं बहुत मारते हैं, लाठी से पिटी, तो वहाँ से आप भागे, जब भागे तो कुछ दूरी पर था प्लेटफार्म, प्लेटफार्म जो था, अब देखिए जो यह 11 नंबर है अंग्रेजी का, जो यह 11 नंबर दिखाई दे रहा है, यह ट्रेन की पटरी है, यह क्या है, यह ट्रेन की पटरी है कि नहीं है, अंग्रेजी का जो 11 नंबर है यह ट्रेन की पटरी है, इस पर आपकी चली ट्रेन, और ट्रेन पर आप बैठ गए, ट्रेन आ गई, ट्रेन पर आप बैठ गए, तो ट्रेन की आवाज़ आपने सुना है, ट्रेन की आवाज़ कैसी होती है, खपच 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 करती है कि नहीं, देखिए महेश्वर सूत्र है आपका 11वां नंबर, खपच 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 खपच,
खफ छठत खफ छठत खफ छठत चढ़ता हो खफ छठत चढ़ता हो खफ चढ़ता हो चढ़ता हो खफ चढ़ता हो। जैसे जैसे वह स्पीड बनाती है वैसे वैसे वह धीरे धीरे बोलते चली जाती है। ठीक है, पहले स्टार्टिंग में खफच 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 खफ छठत खफ छठत खफ छठत चढ़ता हो खफ चढ़ता हो खफ चढ़ता हो खफ चढ़ता हो खफ चढ़ता हो। इस प्रकार से ट्रेन जो है स्पीड बना ली और आप बैठ गए। अब जब ट्रेन में बैठ गई जान बची सो लाखों उपाय कहा है, जान तो बची छोड़ जो उन बहतों। ठीक, ठीक रहो नंबर आप मेरे साथ बोलिए खफ छठत खफ छठत खफ छठत चढ़ता हो खफ छठत चढ़ता हो खफ छठत चढ़ता हो। इसको आप दो बार में बोलेंगे खफ छठत चटतो खफ छठत चटतो खफ छठत चटतो। अब आप ट्रेन में बैठ गए, जब ट्रेन में बैठ गए तो कुछ देर बाद आया चाय वाला। अब चाय तो आप चुल्लू में पियेंगे नहीं, तो चाय मिली कप में, चाय मिली कप में कपाए, चाय मिली कप में कपाए, चाय मिली कप में कपाए। तो चाय वाला आया कि चाय ले लो, तो आपको चाय मिली कप में। 12 नंबर पर क्या है, कप है, कपाए, चाय मिली कप कपाए। ठीक, थी गरम। अब आप घबराए हुए थे तो पूरी, जैसे ही चाय आपने ज्यादा पी लिया तो आपकी जीवा जल गई, जब जीभ जल गई तो आप क्या बोलेंगे, श श श श श श श श। 13 नंबर पर तीनों स है, श श श श श श श श, तीनों स आपने बोल डाला। और जब चाय पी लिया गले के अंदर उतर गई और आपको महेश्वर सूत्र भी याद हो गया तो आपका आपकी समस्या हो गई हल। 14 नंबर महेश्वर सूत्र लिखा हुआ है हल, जब आपने चाय पी लिया तो आपकी समस्या हो गई हल। यह है आपका महेश्वर सूत्र। अब देखिए 1 नंबर से 4 नंबर के बीच का जुगाड़ देखा। एक आदमी अ ई अ ई अ ई अ ई, एक आदमी ऐसन उड़ा, अ ई उड़, एक आदमी ऐसन उड़ा कि धरती पर आई के गिर पड़ा। अ ई उड़ रील रीक, अ ई उड़ अ उड़, एक आदमी अ ई सन अ ई सन उड़ा उड़ अ ई उड़ कि धरती पर आई के गिर पड़ा। दूसरे नंबर पर रि माने ऋषि, अगर आपके अंदर ऋषिपन होगा साधुता होगी तो लक जरूर काम करेगा। रिल रीक, यदि आप के अंदर ऋषिपन होगा तो लक जरूर काम करेगा, रिल रीक। ठीक, 3 नंबर पर तीन जना, ए ओ तीनों जने मिलकर बहुत तंग करें, ए ओंग आप ही बोलता है नहीं, कभी कभी आप ही बोलते हैं, कभी कभी कहते हैं ना, देखा ए ओ तीनों जने मिलकर बहुत तंग करें, ए ओ तीनों जने मिलकर बहुत तंग करें। 3 नंबर पर ए ओंग, ए ओ तीनों जने मिलकर बहुत तंग करें, ए ओंग। 4 नंबर पर ए औरई चतुर हैं, 4 नंबर पर ए औरई चतुर हैं, ए औरई चतुर हैं, चार चार च, ठीक आई औ च। इस प्रकार से यह महेश्वर सूत्र का ट्रिक है, इसका उपाय है याद करने का। ठीक है, तो मेरे साथ आप बोलिए अयोड़ रिल रेक ए ओंग अयच हय वरट लण मंगल नम झबई घड दस जब गड़ दस कफ छठथ चट तव कपय शर हल अयुण रिल रेक ए ओंग अयच हय वरट लण मंगलनम झवय घड दस जब गड दस खफ छठत चट तव कपय शर हल। यह 14 महेश्वर सूत्र इस प्रकार से है। ठीक है मित्र, तो यदि यह मेरी बात आप लोगों को समझ में आई होगी तो प्लीज मेरा आपसे निवेदन है कि चंद्रा इंस्टीट्यूट के इस व्हाट्सएप नंबर पर 8299310097 इस नंबर पर आप कॉल करिएगा और सारी जानकारी लीजिएगा। जो भी आपको कमेंट करना हो इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं प्लीज़। ठीक है, और इन प्रश्नों की चर्चा मैं अगले वीडियो में आपसे करूँगा। आज मैं इतना ही, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः आपसे कहूँगा नमः संस्कृताय।